आर्मस्ट्रांग की हत्या पर बहन मायावती ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जिया दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में जिस तरीके से जातिवादी मनुवादी मानसिकता के लोग जिस तरीके से समय के मुताबिक हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की जो लोग बात करते हैं, कहने के उनको निस्तनाबूत करने की, उनकी हत्या करने के तमाम जो वारदातें अब बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। ऐसे में बड़ी खबर निकल कर आई जो कि मेनस्ट्रीम और सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई है कि बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग, इनके घर के बाहर ही तकरीबन 6 अज्ञात लोगों ने आकर जिस तरीके से धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम की मीडिया पर खबरें चालू है, तमाम तरीके से बयानबाजी की जा रही है। और जिस तरीके से ये खबर सोशल मीडिया पर मेनस्ट्रीम की मीडिया पर देखने को मिले, आग के तरह इस खबर ने पूरी तरीके से माहौल बना दिया और बहुजन समाज के में एक दुख का कहने के माहौल देखा जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम तरीके से इस खबर को लेकर जब लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ इस मामले को लेकर पूरे के पूरे तमिलनाडु में लगातार जन आक्रोश वाला माहौल निर्माण हुआ है। सड़कों पर लोग कहने के देखे जा रहे हैं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी है वो सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड रास्तों पर आलाप देखा जा रहा है, नहीं तो जिस तरीके से जो फिल्म डायरेक्टर पार रंजीत है, ये भी फूट फूट कर के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या पर जिस तरीके से इनका रवैया देखने को मिल रहा है, जो इस पूरे के पूरे मामले पर इनकी बड़ी प्रतिक्रिया है, इस तरीके से देखी जा रही है। और उम्मीद इस प्रकार की थी कि बहन मायावती के जरिए इस पूरे का पूरा मामले का संज्ञान लेते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष मतलब तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग इनको अंतिम विदाई देने के लिए वो जरूर पहुंचेगी। बहन मायावती ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये बताया कि वो तमिलनाडु के चेन्नई में जाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग इनको अंतिम विदाई जरूर देगी। और इस मामले पर बहन मायावती ने तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी है, परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और उसके साथ साथ के आर्मस्ट्रांग इनको श्रद्धा भी अर्पित किए है। इस मामले पर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, वो एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ साझा करूंगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जब से ये खबर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम की मीडिया पर छाई हुई है, बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रदेशों की और उसके साथ साथ जिले की जो इकाइयां है, जो कमेटियां है, वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के पहले से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया। बापसा के तमाम संगठन के जो लोग है, जेएनयू से अन्य को तमाम इलाकों से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस पूरे के पूरे मामले का जमकर विरोध किया जा रहा है। जो एमके स्टालिन की जो सरकार तमिलनाडु में चल रही है, इसको लेकर तमाम चीजें कही जा रही। इतना ही तो नागपुर की अगर बात करेंगे, महाराष्ट्र के नागपुर से भी इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। एमके स्टालिन की सरकार पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। और बहन मायावती ने जब तमिलनाडु में जाकर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जब परिवार से मुलाकात की, क्या आर्मस्ट्रांग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित की, उसके बाद तमाम जो बातें बहन मायावती ने की है, वो एक के बाद चीज आपके साथ में साझा करूंगा। सबसे पहले बहन मायावती का क्या आर्मस्ट्रांग इनको लेकर ये कहना है कि जब से पार्टी से के आर्मस्ट्रांग जुड़े हुए हैं, जब से खबर उनको लगी है, तब से पूरी की पूरी बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा दुखी है। वो व्यक्तिगत तौर पर काफी ज्यादा दुखी है और इस दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी परिवार और तमाम के आर्मस्ट्रांग के जो समर्थक है, इनके साथ में पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है। बहन मायावती का के आर्मस्ट्रांग को लेकर ये कहना है कि के आर्मस्ट्रांग जब से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और मिशन और मूवमेंट को जब समझा है, तब से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पार्टी चुनी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से फुले शाहू, बाबा साहब और महात्मा बुद्ध तमाम महापुरुषों के इस विचारधारा और इस सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन से जुड़कर वो मंजिले मुकाम तक पहुंचाना पूरी पूरी ईमानदारी से वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर
नजर आए हैं। और इसके साथ साथ जी जान से इस विचारधारा को वो मंजिल मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे। इतना नहीं तो बहन मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से जिस नरसंहार के तौर पर जिस क्रूरता के आधार पर उनकी हत्या हुई है ये उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे तमिलनाडु में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज है ही नहीं। आगे बहन मायावती ने कहा है कि जिन आरोपियों को इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की गई है, जिनको सलाखों के पीछे लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति है। इस मामले के सही जो आरोपी है, जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे हत्या का षड्यंत्र रचा है, वो लोग अभी भी कहने के हिरासत में नहीं लिए गए हैं। उन पर किसी भी तरीके की अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे मामले का जो स्टेट की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, उसने सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए और इस बात को भी गंभीरता से सोचना होगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के साथ में उनके ही घर के सामने में इस तरीके की वारदात को अगर अंजाम दिया जा सकता है तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि तमिलनाडु के आम दलित समाज से आने वाले लोगों के साथ में क्या कुछ नहीं हो सकता। बहन मायावती ने एमके स्टालिन की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि अगर इस मामले के सही तरीके से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है या फिर इस मामले में जो प्रदेश की सरकार है वो अगर सम्मिलित नहीं है, वो अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे वारदात को जो अंजाम दिया गया है इसकी सही तरीके से कानूनी जांच होनी चाहिए। अगर ये तमाम मामला प्रदेश की सरकार से नहीं संभल रहा है तो जल्द से जल्द सीबीआई जांच की भी मांग बहन मायावती के जरिए की गई है। तो आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि बहन मायावती ने सीबीआई जांच की बड़ी मांग यहां पर की है और प्रदेश की सरकार को लताड़ने का यहां पर काम किया है। आगे जिस तरीके से बहन मायावती ने कहा है कि पूरे के पूरे परिवार के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरे मजबूती के साथ खड़ी है, अपने श्रद्धा सुमन भी बहन मायावती ने अर्पित किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस मामले पर ये कहा है कि हमारी पार्टी काफी ज्यादा दुखी है और इसी दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी जब तक जो असल आरोपी है इन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक बहुजन समाज पार्टी चैन की नींद सोने वाली नहीं है। इसके साथ साथ बहन मायावती ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान प्रदेश की सरकार ने लेना चाहिए और यहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से ये भी अपील की गई है कि इस मामले को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी के हरे कार्यकर्ता पदाधिकारी और समर्थकों ने आगे आकर कानूनी लड़ाई लड़ना होगा और इस कानूनी लड़ाई लड़ने के अंतर्गत बिल्कुल भी आपको कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, शांतिपूर्ण ढंग से न्यायिक तौर पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। के आर्मस्ट्रांग इनके पूरे के पूरे इस मिशन और मूवमेंट को याद करते बहन मायावती ने कहा है कि के आर्मस्ट्रांग का जो जीवन रहा हो, जिस तरीके से वो सोच रखते थे, उनके मानवतावादी और व्यक्तित्व को लेकर वो जाने पहचाने जाते थे। पेशे से वो एडवोकेट थे और तमाम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा से वो मौजूद होते थे। इसके साथ साथ तमाम ऐसे गरीब तबके के जो लोग है, जो दलित समाज से आने वाले लोग हैं, उनकी कानूनी तौर पर वो लड़ाई भी लड़ने का काम करते थे और जिस तरीके से के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या की गई है, अगर आप चाहते हैं कि उनके इस मिशन और मूवमेंट को, उनके इस पूरे के पूरे विरासत को मंजिल मुकाम तक पहुंचाना, तो उनके तमाम समर्थकों और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बहन मायावती ने कहा है कि उनके इस सोच को, उनके इस विचारों को अगर हमको मंजिल मुकाम तक पहुंचाना है तो फुले शाह बाबा साहब और तमाम महापुरुषों के आंदोलन को, इस मूवमेंट को हमको इसी तरीके से निरंतर जारी रखना पड़ेगा, तब जाके हम उन्हें सही मायने में श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। इसके साथ साथ बहन मायावती ने परिवार के साथ में फिर एक बार ये बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और उनके सुख और दुख में हमेशा से ही खड़ी रहेगी। और आखिर में फिर एक बार बहन मायावती ने इसी बात को दोहराने का काम किया है कि एमके स्टालिन की इस सरकार को इस मामले पर
उचित जांच नहीं करते बन पा रही है, तो इस पूरे के पूरे मामले को सीबीआई के पास सौंप देना चाहिए और सीबीआई जांच के तौर पर ही जो असल आरोपी है उनका पर्दाफाश हो जाएगा। और इसके साथ साथ के आर्मस्ट्रांग जो बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हें न्याय मिल पाएगा। इसके साथ साथ बहन मायावती ने यह भी कहा है कि इस पूरे के पूरे वारदात को अंजाम देते हुए जिन लोगों ने के आर्मस्ट्रांग की हत्या की है, इसके कारण इनका जो परिवार है पूरी तरीके से भयभीत है और सरकार से ही अपील की गई है कि इनके पूरे के पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके कारण इस तरीके के वारदात को या फिर जो इनका परिवार भयभीत है वो इस तरीके से भयभीत वाले वातावरण से कहने के बच पाए और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को लेकर कही गई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से प्रतिक्रिया है प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और समर्थक के आर्मस्ट्रांग की इस हत्या पर अपना बड़ा विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। देश के तमाम इलाकों से तमाम प्रदेशों से इस पूरे के पूरे मामले का जमकर विरोध किया जा रहा है कि आर्मस्ट्रांग की हत्या ये सिर्फ और सिर्फ के आर्मस्ट्रांग की हत्या नहीं तो एक दलित आने वाले बड़े नेता की हत्या, इसके साथ साथ दलित समाज के उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए की गई हत्या है जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की राह पर चलना शुरू करता है। आपको इस बात को भी याद दिला दूं कि इस देश के अंदर में तमाम अपने आप को दलित नेता के तौर पर समाज के सामने में प्रदर्शित करने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ में इस तरीके की वारदातें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। इसके सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप दलित समाज से आते है और आप बहुजन समाज से आते हैं और आप सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने की बात करते हैं, इस बात से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग इनके पेट में सबसे ज्यादा मरोड़ पैदा होती है और इनको अपने अस्तित्व का डर सताता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो जो भी लोग इस तरीके की सोच को लेकर मतलब कि मानवतावादी इसी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने की जो बात करते हैं उनको कहने के खत्म कर दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उनकी जुबान को बंद कर दिया जाए। अब ये निश्चित करना पड़ेगा कि एक बहुजन महापुरुषों का एक बहुत बड़ी जो श्रृंखला चली जिस श्रृंखला के आधार पर महात्मा बुद्ध से लेकर तो आज माननीय कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके जरिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है या आंदोलन इसी तरीके से अगर निरंतर जारी रखना है तो आपको इस विचारधारा को जीवित रखने के लिए सतत काम करना होगा और यही अपील कहने के बहुजन समाज के माध्यम से लगातार की जाती है और बहन मायावती ने भी इन तमाम बातों को दोहराने का काम किया है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आर्मस्ट्रांग जो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष है और इनका जो निर्मम हत्या हुई है, जिस तरीके से इनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, इनको लेकर आपकी क्या राय है कि एमके स्टालिन के इस कानून व्यवस्था के आधार पर जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी केस को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और जिस तरीके से बहन मायावती ने तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को जो अपनी अंतिम विदाई दी है, जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इन तमाम चीजों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।